हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेनलाइट एकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक है क्लास टेंथ से चैप्टर वन रियल नंबर से हम जो ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 में जो हमको पढ़ना है वो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पर बेस्ड है। तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला है कि हमको लॉन्ग डिविजन का यूज नहीं करना है और उसके बाद में ये बताना है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो मैंने बोला था जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम उनको, जैसे हमने लॉन्ग डिविजन मेथड जब हम अप्लाई करते थे तो हम उसको डिवाइड करते थे, मतलब न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड किया जाता था और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो फाइनली फाइनाइट स्टेप के बाद में वो पूरी तरह से कट जाता था तो हम उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक बात और मैंने बोली थी रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी तुमको एक बात याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के केस होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उसमें जो भी रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब मेरा यहाँ पे, एक तो टर्मिनेटिंग तुमको क्लियर हो गया कि मैंने बोला था फाइनाइट स्टेप के बाद में पूरी तरह से कट जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब है क्योंकि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो इसके लिए एक बात ये याद रखना कि जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमरेटर के नंबर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली एक जैसे नंबर से बार बार कटते रहता है, या एक फाइनाइट स्टेप के बाद में वापस वही नंबर आ जाता है जिससे हमने स्टार्टिंग में उसको डिवाइड किया था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो क्लियर है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मैंने लिया 1/5, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या, तो 1/5 में अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना है, 0.2। और इसका एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ये है कि 1/3 लेता हूँ, 1/3, और अगर मैं 3 को कट करता हूँ तो 0.333, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ये 3 चलते रहेगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। किसका नंबर है? रिपीटिंग, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स का जो टाइप होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो एक चीज और मैं तुमको बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1.4 में, उसमें एक बात याद रखना, हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम बता सकते हैं अगर जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, फैक्टर, जैसे हम रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जो क्यू है अगर वो उसका फैक्टर 2n और 5n के फॉर्म में, 2n और 5n के फॉर्म में, तो जो फैक्टर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। मतलब मेरा सीधी सी बात है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में केवल फैक्टर 2 हो, है ना, केवल फैक्टर 2 हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 1/8, ठीक है। और अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2³। तो ये जो 1/8 है ये कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, कैसा हो गया, इट इज, ये जो रेशनल नंबर है कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्लियर है मेरी बात। एक बात तो ये होगी, एक नंबर हमारा ये था। ऐसे ही अगर मैं एक नंबर को ले लूं, जैसे 1/5 मैंने ले लिया 125, और अगर मैं डिनोमिनेटर के नंबर का अगर फैक्टर करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ, तो वन, अगर मैं डिनोमिनेटर के नंबर का फैक्टर करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, 5 × 5 × 5, ये आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5³, ठीक है, 5³ लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या बोला,
जो q है, क्योंकि p by q के फॉर्म में जो q है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m, या केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 के फॉर्म में हो या केवल 5 के फॉर्म में हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां पर हमारे पास 2 की पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये जैसे 2 के फॉर्म में, ये 5 के फॉर्म में, तो ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, हमारा क्वेश्चन कैसा होगा? ठीक है, अगर 100 होता है थ्री बाय 100, और मैं अगर इसका फैक्टर करता तो क्या होता मेरा? इसका फैक्टर अगर मैं बनाता तो 2 into 5 होता इसका फैक्टर 2 into 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये जो नंबर है, ये जो फैक्टर है, ये भी हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या बोला है? टर्मिनेटिंग केवल और केवल तब होगा, टर्मिनेटिंग केवल और केवल तब होगा जब डिनोमिनेटर में फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर है, या केवल 2 2 2 बने, या डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बन रहे हैं वो 5 5 5 बने, या 2 और 5 के फॉर्म में बने, तो हमारा नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारे जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। लेकिन लेकिन अगर 2 के साथ में अगर और कोई सा नंबर आ गया, 2 के साथ में जैसे 7 आ गया, या 2 और 5 जब हम फैक्टर कर रहे हैं, 2 5 और 7 के भी फॉर्म में आ गया, या 2 5 13 के फॉर्म में आ गया, कोई 2 और 5 के साथ में कोई दूसरा नंबर आ गया, तो वो कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन वो नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे हमारी यही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको यही बोल रहा है कि हमको लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज नहीं करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज नहीं करना है, और उसके बाद हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 13 by 3125। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर रीड कर देता हूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमको यहाँ पर बताना, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लें, 3125 का प्राइम फैक्टर निकाले, तो कितना हो रहा है? 7 8 9 10 11, तो ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से गया कितनी बार? 5 6 5 2 सा, ठीक है, 5 5 सा, ये 5 से जाएगा, ये 5 1 सा 5 2 सा और 5 5 सा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा 5 2 सा 5 5 सा, फिर 5 से जाएगा 5 5 सा, फिर 5 से जाएगा 5 5 सा। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर था 13 है ना, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो 3125 था, इसका फैक्टर हमारे पास क्या बना? 5 into 5 into 5 into 5 into 5। ठीक है, तो ये बना हमारे पास 5 into 5 into 5 into 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 13 5 की पावर 5। और मैंने तुमको ये बोला था कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल 5 है। तो ये नंबर हमारे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर के नंबर क्या आ रहे हैं? केवल और केवल 5 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो टर्मिनेटिंग। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें? 17/8 और 8 के फैक्टर को तुम इजीली बना सकते हो, तो 2 into 2 into 2, तो ये हो जाएगा 17/ कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17 2 की पावर 3। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, ये भी हमारा कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो केवल और केवल 2 के पार्ट फॉर्म में है, तो वो भी हमारा कैसा नंबर रहेगा? टर्मिनेटिंग नंबर रहेगा। इसी का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, उसे बोल के रखा 64 अपॉन 455
455, ठीक है। तो ये 455 का फैक्टर करें, 455 का फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये 3 से तो जाएगा नहीं, 9 और कितना हो रहा है 14, तो 5 से जाएगा ये, तो 5 से दे देते हैं, 5 से कितनी बार जा रहा है 9 टाइम्स और 1 टाइम्स, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा 7 से, तो 7 से इसको कर देते हैं, तो 7 वन सा और 7 थ्री सा, ठीक है। फिर 13 से जाएगा तो ये 13, 13 से कितनी बार 1 टाइम, तो 64, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 64/455, इसका जो फैक्टर बना 64/455 का 5 × 7 × 13, तो मैंने बोला था कि वो नंबर जिसमें 5 के साथ में कोई दूसरे नंबर आ जाते हैं, देखो जिसमें यहाँ पे 5 के साथ में 7 और 13 आए, तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो नंबर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और रिपीटिंग आएगा, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये रेशनल नंबर की खासियत होती है। अगर वो रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ देखें, फर्स्ट का फोर्थ 15/1600, ये हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, पहली बात ध्यान रखना, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के नंबर को देख लेना। जब तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नंबर को देखोगे और अगर कोई पार्ट कट रहा तो पहले उसको काटना, तो हम यहाँ पे इसका भी फैक्टर बना लेते हैं, 3 × 5 बनेगा, और 1600 का भी फैक्टर बना लेते हैं, 1600 का फैक्टर यहाँ मैं बना रहा हूँ, तो 1600 का फैक्टर, तो 2 × 8 × 0, 2 × 4 × 0, 2 × 2 × 0, 2 × 1 × 0, 2 × 5 × 0, 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर बना है इसका, तो 2 हमारे पास कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 5 × 2 × 5, तो 5 से ये 5 कट गया, ठीक है, तो कट गया। उसके बाद जो नंबर बचा उसको लिखो 3/2 कितनी बार है, 5 × 6 × 10, तो 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर। तो मैंने बोला था अगर कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं और डिनोमिनेटर वाला पार्ट 2 और 5 के फॉर्म में, तो वो नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग वाला होता है। तो ये जो नंबर हमको दिया हुआ है टर्मिनेटिंग, पहले कट करना है, उसके बाद अपने एनालिसिस जो भी कर सकते हैं वो कर लेना। तो ये नंबर हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग वाला है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29/343, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 29 डिनोमिनेटर वाले पार्ट का फैक्टराइजेशन 343 किससे जाएगा, ये हमारा ये 7 से जा सकता है, तो 7 से हम देख लेते हैं कितनी बार, 4 टाइम में ये आया और बचा कितना यहाँ पे 6, तो 9 टाइम में ये आया, फिर 7 से जाएगा 7 × 7, ठीक है। तो ये जो 29/347 है, तो फैक्टराइजेशन जो बना वो क्या बना, 7 से, तो ये नंबर तो डेफिनेटली क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नंबर दिया हुआ यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया हुआ, इसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर बताना है तुम्हें, ठीक है। इस अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, तो देखे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको ये बोल रहा है कि हमको डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व करा था उसमें जो जो पार्ट हमारा क्या आया था,
टर्मिनेटिंग आया था उनको हमको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमको उसी क्वेश्चन में बोला था विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा डेसिमल वाला पार्ट था तो हम डेसिमल एक्सपांशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा जो फर्स्ट का वन था वो हमारा टर्मिनेटिंग आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा टर्मिनेटिंग आया था। तो 13/3125 एक बात ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट टर्म है, तुम्हें एक बात ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट टर्म है तुम्हें केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आए थे, ठीक है। केवल उन्हीं के डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, बाकी किसी के भी नहीं निकालना। और उसने एक बात ये भी बोल दी विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। तो हम कर लेंगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने इसका डिनोमिनेटर पार्ट का फैक्टर बनाया था तो हमारा क्या बना था 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब ये जितने भी 5 है अगर मेरे को 10 बनाना है तो मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी बार 5 है, कितने 5 को 10 बनाना, 5 को 10 बनाना। तो मैं 5 टाइम्स अगर न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दू और 5 टाइम्स अगर डिनोमिनेटर में भी अगर 2 का मल्टीप्लाई कर, और मैं इनके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो कितना हो रहा है 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 32 और 13 का 32 में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 3 × 6 और ये हो जाएगा 2, 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 9, 11 के लिए 4, तो 4 × 1 = 6 तो ऊपर आ गया हमारा। और बाकी ये जो नंबर ये क्या बन रहा है हमारे 10 × 10 × 10 × 10 × 10 हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और इसका बताना है डेसिमल एक्सपांशन, तो कितना हो गया ये, तो तुमको बताइए 1 के बाद में 5 जीरोस हैं तो हमको इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो हम पीछे से काउंट करना चालू करेंगे, लास्ट नंबर जो भी हमारा होगा वहां से हम चालू करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। 6, 1, 4, 0, 0, 0, तो 0.00 अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो वापिस ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो इसी तरह से तुमको बाकी जितने भी जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को तो सोल्व करना ही है, केवल टर्मिनेटिंग पार्ट्स को तुमको डेसिमल एक्सपांशन में लिखना है। तुम इसका एक सेकंड पार्ट 17/8 दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, और 17/8 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर इससे 5 से 3 बार, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने हैं 3 × 2 है तो ऊपर हमको 3 बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 2 × 5 एंड 2 × 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 125 में हम 17 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैरी आई 1 × 2 = 1000, तो 1000 पे ये हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा 2.125, क्योंकि लास्ट है 1 के बाद में 3 जीरोस हैं तो हम लास्ट पे काउंट करना चालू करेंगे 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट के बाद में मैंने डेसिमल लगा दिया ऐसे। तो तुमको सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आए, ठीक है। इसी तरह से ट्राई करना और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस द डिसाइड वेदर दे आर द रेशनल और नॉट, इफ दे आर द रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू देन व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ द क्यू, ठीक है। हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है और कौन सा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और अगर नहीं लिखा जा सकता है तो हमको रीजन भी बताना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें ये बोल रहा है
कि 43.12345678 9 ठीक है। तो ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या ये रेशनल नंबर सेकंड। तो भैया मैंने तुमको बोला था सबसे पहले तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि फाइनाइट स्टेप के बाद में इसका इसका डिवाइड जो है वो रुक गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा नंबर है, इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज रेशनल, इट इज रेशनल। तो ये इंप्लाइज करेगा, इंप्लाइज दैट इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड टाइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर एन इंटू फाइव टू द पावर एन। ठीक है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है, इट कैन बी द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसीलिए अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे क्यू दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होगा, टू की पावर एन और फाइव की पावर एन के फॉर्म में होगा। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट हमको क्या बोल रहा है, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 0.102120, ठीक है, 120000, ठीक है, 1200, ठीक है, फिर 12000 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि देखो कोई भी नंबर यहाँ पे 120 आ रहा है, यहाँ पे 1200 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, तो नॉन रिपीटिंग हो गए। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, सो इट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, सो इट इज इरेशनल नंबर। किसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्टी थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन इसके ऊपर बार लगाओ। और बार का मतलब ये होता है कि हम जब जो नंबर ये होगा रेशनल नंबर के फॉर्म में हम उसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो नाइन तक डिवाइड जाएगा, फिर उसके बाद में वापस उसका डिवाइड चालू हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे ही रिपीटिंग बार बार होते रहेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट, क्योंकि बार लगा हुआ है, बट रिपीटिंग नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। तो ये इंप्लाइज करेगा इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू
पी बाई क्यू एंड क्यू प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला क्यू क्या होगा उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट फॉर्म ऑफ टू टू दी पावर एन एंड फाइव टू दी पावर, अगर वो टू की पावर एन और फाइव की पावर एन के फॉर्म में होता या टू और फाइव के मल्टीपल के फॉर्म में होता तो ये कभी भी नॉट रिपीटिंग, ठीक है, ये नॉट ये रिपीटिंग नहीं होता, ठीक है, रिपीटिंग नहीं होता टू और फाइव के फॉर्म में, यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है तो ये इसका प्राइम फैक्टर जो है वो टू और फाइव के फॉर्म में नहीं, क्लियर है मेरी बात, तो यही हमारी बात। इसका मतलब ये रेशनल नंबर्स तो है, रेशनल नंबर तो है, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। पहले तो हमको उस नंबर के बारे में डिटेल देना थी कि वो नंबर क्या है, तो भैया हमने बता दिया वो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की एक खासियत होती है कि वो रेशनल नंबर्स तो होता है, रेशनल नंबर्स तो होता है, लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो टू और फाइव के फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो एक्सरसाइज है 1.4 खत्म होता है, और हम न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इसके बाद में, तो अगले लेक्चर्स में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।